बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, समझ रहे हैं और लिख रहे हैं। हम लोगों का उर्दू बी का टॉपिक चल रहा है फेल का। उसकी एग्ज़ाम हम लोगों ने पहले मुतफरिका फाल भी कर चुके हैं मुख्तलिफ फेल की एग्ज़ाम में, उसके बाद हमने फेल की एग्ज़ाम बालहाज़ ज़माना कर लिया है। आज हमने करनी है फेल की एग्ज़ाम बालहाज़ मायनी। ठीक है, पैटर्न आपका वही है जैसे आपको पहले करवाया गया है। पहले आपने फेल की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे फेल की एग्ज़ाम बालहाज़ ज़माना में आपको बताया गया था, पहले फेल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप लोग हेडिंग देंगे फेल की एग्ज़ाम बालहाज़ मायनी। आगे आ जाएगा मायनी के लिहाज से फेल की दो एग्ज़ाम है, फेल लाजिम और फेल मुतअदी। ठीक है, फेल लाजिम हमारे पास क्या है? फेल लाजिम ऐसा फेल होता है जिसमें सिर्फ फाइल की मौजूदगी से ही मतलब वाजह हो जाए, यानी जो इंसान है, जो सब्जेक्ट है आपका, यानी इसमें मफूल की मौजूदगी ज़रूरी नहीं होती। जैसे हामिद आया, हामिद क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, आना उसका काम है, वो हमारे पास आ गया। अकबर भागा, असगर सोया, इन मिसालों में बस आपको यहाँ तक इसकी एग्जांपल तक करना है। ठीक है, जिस तरह से हम बाकी काम करते आ रहे हैं। फेल मुतअदी पर आ जाइए, ये पहली आपकी है, ये सेकंड आपकी है। ऐसा फेल जिसमें फाइल के साथ मफूल की मौजूदगी भी ज़रूरी हो, वरना मतलब अधूरा रह जाता है। मिसाल के तौर पर, यानी मसलन, हामिद ने खाया, सॉरी, हामिद ने खाया, असगर ने पढ़ा, अकबर ने लिखा। ये आपकी एग्जांपल है जो आपने मसलन, जो हम लोग हेडिंग देखकर काम करते हैं, आपने उसको उस तरह से लिखना है। मतलब ये कि फेल लाजिम में सिर्फ फाइल का होना ज़रूरी है और फेल मुतअदी में फाइल और फेल दोनों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप आ जाए, नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है फेल की एग्ज़ाम बालहाज़ असबात व नफ़ी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिहाज से। ठीक है, अच्छा जी, असबात व नफ़ी में फेल के लिहाज से दो एग्ज़ाम है, फेल मुस्बत और फेल मुनफी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हम लोग पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं और वैसे भी हमारी डेली लाइफ में पढ़ते हैं, फेल मुस्बत वो फेल है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर है, जैसे राशिद भागा, कमर लाहौर जाएगा। मनफी में वो फेल है जिसमें किसी काम का ना करना या होना पाया जाए, मसलन अरशद नहीं भागा, कमर लाहौर नहीं गया। जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल हो वो फेल मनफी है, जिसके अंदर कोई काम होने की बात की जाए वो हमारा फेल मुस्बत है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, और ये काम आप लोगों ने उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं। फेल की एग्ज़ाम आपको जो पहले रिटर्न फॉर्म में लिखकर दिखाई गई हैं, ये इसी तरीके से आपने अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर नोट डाउन करनी है नीटली, और जिस तरह का पैटर्न आपको बताया गया, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से, उस तरीके से। सबसे पहले स्टार्ट में आप लोगों ने अपनी फेल की वो लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, जैसे हम लोगों ने बालहाज़ ज़माना में की है। आज हमने करना है मायनी और असबात व नफ़ी, ये दो आपकी एग्ज़ाम है। ये ज़्यादा लंबी नहीं थी कि इनको अलग अलग करके वो और डिटेल में मतलब किया जाता, इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके आपको लिखवाया जा रहा है। तो इन दोनों को आप लोगों ने ऐसे ही करना है, पहले फेल की डेफिनेशन हो जाएगी, बाद में आपने सेंटर में हेडिंग देनी है फेल की एग्ज़ाम बालहाज़ मायनी, उसकी एग्ज़ाम के मायनी एग्ज़ाम बता देनी है। देन आपने इसी तरीके से हेडिंग देनी है फेल की एग्ज़ाम बालहाज़ असबात व नफ़ी, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी किसी में अच्छी सही बात करना है कि हाँ ये काम हो रहा है, और जिस काम में नहीं हो रहा उसमें हमारा नफ़ी यानी मुस्बत आ जाता, मुनफी आ जाता, सॉरी, मुस्बत में हमारा काम होना बताया जाता है, मुनफी में हमारे किसी काम को ना करना बताया जाता है। तो आपने ये काम लिखना है, याद करना और सबमिट करवाना। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।